इसराइल और हमास के बीच जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। हमास के हमले से शुरू हुई यह जंग अब कब थमेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जंग के शुरुआती दौर में इसराइल ने अपने हमलों से गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई और कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन जैसे जैसे जंग तेज हुई, इसमें नए नए मोड़ आते गए। अब इजरायली बलों के लिए हर दिन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। आईडीएफ गाज के जिन इलाकों से आगे बढ़ चुकी थी, अब उसे फिर वहीं पर आकर हमास और उसके प्रतिरोधी गुटों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में इजरायली मीडिया ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में हताहतों की सूचना दी है, जिसमें एक उच्च रैंकिंग अधिकारी भी शामिल है। इजरायली कब्जे वाले बलों ने शुक्रवार देर रात दक्षिणी वेस्ट बैंक में अल खलील के पास गुस एडजन और कारमेजू बस्तियों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि गुस एडजन में दो सुरक्षा घटनाएं हुई और यह ऑपरेशन स्वतंत्रता सेनानियों पर किया गया। सेना ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन में शामिल स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करना अभी संभव नहीं है। इजरायली कब्जे वाले बलों के प्रवक्ता ने इजरायली मीडिया द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि की, जबकि कब्जे वाले आर्मी रेडियो ने बताया कि गुस एडजन क्षेत्रीय ब्रिगेड के कमांडर, एक कर्नल घायल हुए थे। इजरायली अखबार येदियो एरोनोट ने बताया कि अपराधियों ने रूट 60 पर दो कारें चलाई, जिनमें से एक गुस एडजन के एक गैस स्टेशन की ओर जा रही थी और दूसरी कारमेजू की ओर। सेना का मानना है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमेजू में घुसी कार में बम लगा हुआ था, जो बस्ती के अंदर विस्फोट हो गया। इसके बाद इजरायली कब्जे वाले बलों ने अल खलील प्रांत में घेराबंदी कर दी और कमेजू बस्ती में अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाए गए। इजरायली मीडिया ने बताया कि हेब्रोन ब्रिगेड के कमांडर ऑपरेशन स्थल पर पहुंचे और एक फील्ड ऑपरेशन रूम की स्थापना की गई। इसमें अंडरकवर यूनिट शीनबेट, मैगलन और दुवे दन यूनिट की टीमें शामिल थी। फिलिस्तीनी स्थानीय मीडिया ने पुष्टि की कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने अल खलील के प्रवेश द्वार बंद कर दिए, खासकर उस क्षेत्र के दक्षिण में जहां ऑपरेशन हुआ था। इसके कुछ घंटों बाद हमास की सैन्य शाखा शहीद इज एड दन अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि पश्चिमी तट के दक्षिण से आई प्रतिक्रिया आपको गर्वित करेगी और यह भी कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।